नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। बेंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से मुलाकात की। तो इसरो में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो टीम के वैज्ञानिकों को बधाई दी। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा और जहां चंद्रयान 2 की छाप है वो तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के पास भयावह हादसा हुआ है। रेलवे स्टेशन के पास खड़ी एक ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई, जिसमें 9 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं 50 से अधिक यात्री इस घटना में घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने दावा किया है कि एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह उनके पास है। साथ ही साथ उन्होंने फिर दोहरा दिया कि वो राज्य में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ेंगे। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया गया है। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि अब से 23 अगस्त का दिन हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। दिग्गज ने मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में 88.77 मीटर दूर भाला फेंक कर इतिहास रच दिया है। मशहूर गीतकार देव कोहली का आज सुबह 4 बजे नींद में सोते हुए निधन हो गया। वे 81 साल के थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। गदर 2 की तूफान रफ्तार के आगे ड्रीम गर्ल 2 ने रिलीज के पहले दिन अच्छा कलेक्शन किया है। अतीक अहमद के परिवार की 3 महिलाओं के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 3 फरार नामजद आरोपियों गुड्डू मुस्लिम, शूटर रहमान और साबिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आज की टॉप 10 खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर।